गुड मॉर्निंग फ्रेंड। चलिए आज हम एक आपके लिए परसेंटेज का नया लेक्चर लेके आ रहे हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर है और इसके अंदर मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, कुछ ही क्वेश्चन करवाऊंगा जिसके अंदर आपको बहुत ही सारगंभित और शॉर्टकट मेथड है। एग्जाम दृष्टि से एसएससी सीजीएल में बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनसे रिलेटेड बड़े ही शॉर्टकट ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो चलिए, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 40% कैन स्पीक ओनली हिंदी, 25% कैन स्पीक ओनली इंग्लिश एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज, हाउ मैनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक इंग्लिश। एक क्लास के अंदर 60 बच्चे हैं जिनमें से 40% हिंदी बोलते हैं, 25% इंग्लिश बोलते हैं, बच्चे स्टूडेंट हैं वो दोनों ही लैंग्वेज बोलते हैं। तो बताइए उस क्लास के अंदर इंग्लिश कितने बच्चे बोलते हैं। तो मैंने बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा बड़े इजी होते हैं, लेकिन वेन डायग्राम के थ्रू इसको करना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले वही चीज करूंगा, वेन डायग्राम बनाया मैंने, ये ले लिया हिंदी और ये ले लिया इंग्लिश। अभी बोलना कि 60 स्टूडेंट 40 कैन स्पीक ओनली हिंदी, ओनली हिंदी कितने बोल रहे हैं, 40% बोल रहे हैं, कितने बोल रहे हैं, 40% बोल रहे हैं, और 25% क्या बोल रहे हैं, ओनली इंग्लिश, 25% क्या बोल रहे हैं, ओनली इंग्लिश बोल रहे हैं, ओनली इंग्लिश बोल रहे हैं। तो और बचे हुए स्टूडेंट हैं वो क्या बोल रहे हैं, बचे हुए स्टूडेंट हैं वो क्या बोल रहे हैं, दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो मैं इसको दोनों का निकालूंगा एवरेज, तो इसमें ये 40 और 25 यानी कि 20 में कितने स्टूडेंट ऐसे हैं, 35 of the student can speak both language, तो 35% क्या है, दोनों language बोल रहे हैं, 35% क्या कर रहे हैं, दोनों language बोल रहे हैं। तो इसको हम किस तरीके से calculate करेंगे, अब वो बोल रहा है कि how many students can speak English, तो कितने student ऐसे हैं जो सिर्फ English बोलते हैं। तो मैं देखता हूँ कि only हिंदी 40% बोल रहे हैं, only English 25% बोल रहे हैं, 35% ऐसे student हैं जो दोनों language बोल रहे हैं, 35% ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जो दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं। रेस्ट स्टूडेंट तो मैं मान लेता हूं 100% टोटल स्टूडेंट है, जिनमें से माइनस कर देता हूं, जिनमें से 40% सिर्फ हिंदी बोल रहे हैं प्लस 25% सिर्फ इंग्लिश बोल रहे हैं। तो 40 प्लस 25 कितने, 65, और 100 में से 65 100 माइनस 65 इक्वल टू 35। तो 35% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं, 35 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं। अब वो बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट कितने हैं, तो इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट कितने, 25 प्लस 35 इक्वल टू 60 स्टूडेंट है, और क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट है, और टोटल परसेंट निकालेंगे 100 यानी कि 36 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर बताया है कि इन ए विलेज ईच ऑफ द 60% ऑफ फैमिली हैज ए काउ, ईच ऑफ द 30% ऑफ ए फैमिली हैज बफालो, एंड ईच ऑफ द 15% ऑफ फैमिली हैज बोथ काउ एंड बफालो, इन ऑल देर आर 96 फैमिली इन द विलेज, हाउ मेनी फैमिलीज डू नॉट हैव ए काउ एंड बफालो। एक गांव के अंदर 60% फैमिली ऐसे हैं जो गाय पालते हैं, 30% फैमिली ऐसे हैं जो भैंस पालते हैं, और 15% फैमिली ऐसे हैं जो गाय और भैंस दोनों पालते हैं। तो उस गांव के अंदर 96 फैमिली टोटल है, तो बताइए ऐसी कितनी फैमिली हैं जो गाय और भैंस
दोनों ही नहीं पालते हैं, तो इसको भी हम वेन डायग्राम के थ्रू बनाएंगे। तो मैं इसको लिख लेता हूं काउ और इसको लिख लेता हूं बफलो, काउ एंड बफलो। तो ये बोला कि 60% फैमिली गाय पालते हैं, 30% फैमिली भैंस पालते हैं, 15% फैमिली ऐसे हैं जो दोनों ही चीजें पालते हैं, तो ये 15% फैमिली आ गई। अब क्या 60% फैमिली ऐसे हैं जो गाय पालते हैं, तो गाय कितने पालते हैं 60 और 15% दोनों पालते हैं, तो माइनस कर देंगे तो कितने 45%। तो 45% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ गाय पालते हैं। अब ये बोले 30% भैंस पालते हैं, तो 30% 30 माइनस 15 इक्वल टू 15% और 15% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ भैंस पालते हैं। तो अब हम देख लेते हैं सबका एवरेज कि सिर्फ गाय पालने वाले 45% है, सिर्फ भैंस पालने वाले 15% है और दोनों पालने वाले 15% है। तो टोटल इसका कितना हो गया मैं देख लूंगा, टोटल 100 है, 100 में से 45 प्लस 15 प्लस 15 तो ये हो गया 100 माइनस 30 75 इक्वल टू 25। तो 25% लोग ऐसे हैं जो ना गाय पालते हैं और ना भैंस पालते हैं, तो 25% लोग ऐसे हैं। तो 25 इंटू फैमिली कितनी है 96 अपॉन 100, तो 25 चौक 100 और 4 चौक 96 24 फैमिली ऐसे हैं जो ना गाय पालते हैं और ना भैंस पालते हैं। कितनी फैमिली है 24 फैमिली ऐसे हैं जो ना गाय पालते हैं और ना भैंस पालते हैं। तो चलिए दोस्तों एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 6000 इफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इंक्रीज बाय 5% एंड 9% इन ईच ईयर एंड आफ्टर वन ईयर पॉपुलेशन बिकम्स 6500, देन फाइंड द मेंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इनिशियली। तो ये क्या बोल रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 6000 है जिसके अंदर आदमी और महिलाएं 5% और 9% के हिसाब से पर ईयर बढ़ रहे हैं, तो पॉपुलेशन एक साल के बाद में उस शहर की पॉपुलेशन 6500 हो जाती है, 6500 हो जाती है, तो बताइए मेल और फीमेल का रेशियो क्या होगा। तो मैं सबसे पहले ले लेता हूं कि मेल की और ये फीमेल, तो मेल और फीमेल, मेल कितना बढ़ा है 5% की दर से बढ़ रहे हैं और फीमेल कितने बढ़ रहे हैं 9% की दर से बढ़ रहे हैं। अब वो एक साल के बाद में कितनी हो जाती है पॉपुलेशन 6500 हो जाती है, तो आफ्टर वन ईयर पॉपुलेशन होती है 6500 और पहले पॉपुलेशन कितनी थी 6000 थी, तो कितनी बढ़ गई एक साल के अंदर 500 बढ़ गई और 500 जो बढ़ा है वो किस पे बढ़ा है 6000 पे इंटू 100, तो कितना प्रतिशत बढ़ गया 2 से 2 काट देंगे हम और यहाँ पर 500 बटे 6000 इंटू 100 अगर हम करते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/25, ये हो जाएगा 25/3 दिस ईयर की पॉपुलेशन हो गया 25/3। तो अब मैं यहाँ पर देखूंगा दोनों का इनिशियल रेशियो कितना है 25/3, तो मैं इसको ले लेता हूँ 25/3। अब इसको 3 को काटने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा, मैं 3 से भी यहाँ कर दूंगा, तो यहाँ से ये कट गया। अब इसको इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, 5 से 15 और 25 कितना हो गया 10, 15 में से 25 गया 10 और ये कितना है 29, 27 और 25 इधर कितना आ गया 2 आ गया, तो 1 और ये 5, तो 1:5 कितना आता है 1:5, 1:5 का रेशियो आया मेल और फीमेल का। अब 1:5 का रेशियो आया तो दोनों को मैं अगर ऐड करूंगा तो कितना आएगा 6 और 6 मेरे पास टोटल गांव की पॉपुलेशन कितनी है
छह हजार है, सिक्स एक हजार पॉपुलेशन आ जाएगी, एक हजार पॉपुलेशन होगी तो मेल और फीमेल की अगर मैं बात करता हूँ, मेल और फीमेल की बात करता हूँ, रेशियो आता है मेरे पास 1:5, तो मैं एक इंटू हजार, तो ये कितना आएगा, मेल होंगे 1000 और फीमेल कितने होंगे 5000, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों का रेशियो आ गया 1000 और 5000। एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि 3:5:9 के हिसाब से वो बढ़ रहे हैं, दोनों का रेशियो निकालते हैं तो एक साल के बाद 6500, पहले 6000 थे, 500 बढ़ गए, 500 6000 पे बढ़ रहा है, परसेंटेज निकालेंगे 25/3 हम कॉमन रेशियो है, इसको बराबर करने के लिए 300 मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, काट देंगे इधर 9 3 27 25 दो और 5 15 25 10, एक रेशियो 5 का वैल्यू आएगा, 6 दोनों का रेशियो का वो दोनों का रेशियो 6 आया, 6000/6 इक्वल टू 1000, मेल और फीमेल का रेशियो 1:5 है, तो 1 × 1000 और 5 × 1000 5000, तो मेल है 1000 और फीमेल है 5000। तो दोस्तों ऐसा इंडिया में तो नहीं होता, पता नहीं ये कौन सा कंट्री है, कोई दूसरा ही कंट्री होगा जहां पर ऐसा रेशियो बन रहा है। तो चलिए दोस्तों एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन से रिलेटेड, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 9600 इफ द मेल एंड फीमेल इज आर इंक्रीज बाई 8% and 5%, देन पॉपुलेशन विल बिकम 10,272 आफ्टर 1 ईयर, फाइंड द नंबर ऑफ मेल एट प्रेजेंट। एक गांव की जनसंख्या 9600 है जिसमें पुरुष और महिलाओं का परसेंटेज 8% और 5% है, पॉपुलेशन अगर एक साल के बाद में 10,272 हो जाती है तो बताइए आदमियों की संख्या प्रेजेंट में कितनी है। तो मैंने सबसे पहले बताया कि कोई मेल है और फीमेल है, इनका प्रतिशत है 8% और 5%। अब पहले एक साल पहले कितनी थी जनसंख्या 9600 थी और अब बढ़कर कितनी हो गई 10,272 हो गई, तो कितनी बढ़ गई 4 × 2 = 672 बढ़ गई, और कितने पे बढ़ रही है 9600 पे, 9600 पे बढ़ रही है, और प्रतिशत निकालना हमारे को तो 0 0 इसको काटेंगे 14 97 7 और ये 25 7, तो ये कितना हो जाएगा 14 97 98 और ये 70, तो ये कितना आ जाएगा 7% आ जाएगा, तो हम 7% को यहाँ पर लेके आ जाते हैं, यहाँ से करेंगे तो ये कितना होगा 1% और ये कितना होगा 2% होगा, 1 और 2 ये कितना होता है 3% हो गया, और 3% की टोटल जनसंख्या कितनी है गांव की 9600, तो 9600/3 3200 आता है, तो 1:1 की वैल्यू 3200 आती है, तो 3200 तो मेल की कितने हो गए 6400 और फीमेल कितने होंगी 3200, तो कितनी होगी 3200, तो मेल की संख्या है 6400 और फीमेल कितनी होगी 3200। अब वो बोल रहा है कि प्रेजेंट मेल, तो प्रेजेंट मेल पहले अब कितने 6400 हैं प्लस 6400 का 8% / 100, 0 से 0 कट गया, तो ये हो गया 6400 प्लस 8 8 6 32, 2 8 6 48 और 3 51, तो ये कितना हो गया 5 4 9, पुरुष प्रेजेंट में कितने हैं 6912 पुरुष अवेलेबल हैं, 6912 मेल कैंडिडेट अवेलेबल हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उसी से रिलेटेड, पॉपुलेशन से रिलेटेड है, पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज
120,000 नंबर ऑफ मेल इंक्रीज्ड बाय 12% एंड नंबर ऑफ फीमेल इंक्रीज बाय 9% एवरी ईयर एट द एंड वन ईयर पॉपुलेशन बिकम्स 132,750 देन द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इनिशियली कि किसी गांव की जनसंख्या 120,000 है जिसमें मेल का प्रतिशत 12 है और फीमेल का प्रतिशत 9 है अगर एक साल के बाद में जनसंख्या बढ़कर 132,750 हो जाती है तो मेल और फीमेल दोनों का डिफरेंस पता करना है तो मैं मान लेता हूँ मेल और ये ले लेता हूँ फीमेल तो मेल का प्रतिशत 12 है और फीमेल का प्रतिशत 9 है अब एक साल पहले जनसंख्या थी 120,000 और अब जनसंख्या कितनी हो गई 132,750 तो बढ़कर कितनी गई एक साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई 12,750 बढ़ गई 12,750 पॉपुलेशन बढ़ गई तो इसको हम निकालेंगे 12,750 किस पे बढ़ी है 120,000 पर 120,000 पे और प्रतिशत निकालेंगे कितना 100 के साथ में तो 2 से 2 गए 0 से 0 गए 15 अंठी 120 और ये 85 तो ये आ गया हमारे पास में 85/8% अब मेल और फीमेल दोनों का कॉमन रेशियो है 85/8% अब इसको मैं क्या करूंगा 8 को हटाने के लिए मैं 8 को यहां से मल्टीप्लाई करूंगा यहां पर भी मैं 8 को मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहां पर भी मैं 8 को मल्टीप्लाई कर दूंगा यहां से ये कट हो गया अभी 12 96 तो 85 में से 96 गए तो कितने बचे 11 और इधर 972 और 85 तो 72 में से 85 गए तो इधर कितना बचा 8 5 13 13:11 का क्या बना रेशियो बना 13:11 का मेरे पास में रेशियो बन के आया अब 13 और 11 दोनों का रेशियो अगर मैं बात करता हूं तो कितना हो जाता है 3 × 4 24 तो एक रेशियो की वैल्यू निकालता हूं तो मैं 120,000 बटे 24 5,000 तो एक रेशियो वन रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 5,000 आएगी तो अब मैं यहां से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं इनटू अगर मेरे को दोनों का मुझे अब मेरे पास एक रेशियो की वैल्यू आ गई 5,000 अब मेरे पास मेल और फीमेल दोनों के नंबर पूछे थे तो मैं क्या कर देता 13 × 5,000 और 11 × 5,000 अब मुझे पूछा डिफरेंस पूछा दोनों के बीच में तो मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखता हूँ तो कितने का है 2 का डिफरेंस है और मेरे पास एक रेशियो की वैल्यू कितनी है इंटू 5,000 तो कितना आ जाएगा 10,000 कितना रेशियो आ जाएगा मेरे पास 10,000 जो मेरे पास मेल और फीमेल दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है उन दोनों के डिफरेंस कितना आ रहा है 10,000 आ रहा है तो चलिए दोस्तों एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये एसएससी में हर बार पूछा जाता है पिछली बार एसएससी प्री में एक क्वेश्चन पूछा गया था इफ ए स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाय 210 मार्क्स बट इफ ही स्कोर 55% मार्क्स देन He is passed with 240 marks. Find the passing percentage. एक स्टूडेंट अगर 25% मार्क्स लेके आता है तो वो फेल होता है 210 नंबर से अगर वो 55% मार्क्स लेके आता है तो वो पास हो जाता है 240 नंबर से तो बताइए परसेंटेज मार्क्स कितने होंगे तो मैं सबसे पहले देख लेता हूँ कि अगर स्टूडेंट 25% मार्क्स लेके आता है तो वो 210 से क्या हो जाता है फेल हो जाता है और अगर वो 55% मार्क्स लेके आता है तो वो कितना 240 नंबर से क्या हो जाता है पास हो जाता है तो मैं इन दोनों का डिफरेंस देख लूंगा
25 और 55 में 30% का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पर मैं ये कितना कम ला रहा है और ये कितना ज्यादा ले रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 450. अब आप लोग ये सोचते होंगे कि जी 450 कैसे है, कि हमेशा क्या होता है कि जिस तरीके से कोई माइनस कम ला रहा है तो 10 उसमें से फिर ये डिफरेंस करने के लिए घटाते हैं माइनस, और फिर माइनस 10 सपोज ये ला रहा है, तो इस तरीके से ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया 20 हो गया. तो इसी तरीके से ये कि माइनस ये माइनस था और माइनस माइनस किया हमने, तो इसको इस तरीके से मैंने सॉल्व किया 240 माइनस माइनस 210 इक्वल टू 450. ये इस तरीके से कैलकुलेशन किए मैंने, तो ये कितना लेके आ रहा है 450 नंबर, 450 नंबर लेके आ रहा है. तो एक रेशियो की 1% की वैल्यू की बात करूंगा, 450 बटे 30, 0 0 कट गया, 3 × 3 15 × 3 45, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हुई 15% हुई. एक रेशियो की वैल्यू कितनी हुई 15% हुई. वो फेल कितने से हो रहा है, 210 नंबर से फेल हो रहा है, तो 210 बटे 15 15 10 25 14%. अब वो क्या उसके कितने आ रहे हैं 14% अभी उसको मार्क्स आ रहे हैं, और पहले कितने आ रहे थे 25% उसको पहले आ रहे थे, प्लस 14% अब आ रहे हैं, तो कितना हुआ 39% उसको कितने मार्क्स मिले 39% मार्क्स मिले, उसके पासिंग मार्क्स कितने 39% है. अब वो पूछ लेता है कि उसके आए हुए ये कितने हैं, उसने गेन किए मार्क्स. अब वो पूछ लेता है कि वो मार्क्स टोटल मार्क्स कितने हैं, तो मैं टोटल मार्क्स अगर 1% एक रेशियो की वैल्यू 15% है, तो अगर 100 की मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा 1500 × 39%, उसको मार्क्स कितने हैं 39% डिवाइड बाय 100, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना होगा, कितना आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, 585 मार्क्स आएंगे. उसको कितने मार्क्स आए, मार्क्स ऑब्टेंड 585 नंबर आएंगे. मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि वो 25% मार्क्स लाता है 210 नंबर से फेल हो जाता है, 55% अगर मार्क्स लाता है तो वो 240 नंबर से पास हो जाता है. दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 30, और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 450. मैंने वो आप लोगों को बताया था कि माइनस 240 माइनस माइनस 210 तो 450, तो 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 15%. 210 नंबर से वो फेल हो रहा है तो 210/15 = 14%. अब 25% उसको ऑलरेडी पहले आ रहे थे, 14% अब आ रहे हैं, तो उसके पासिंग परसेंटेज कितने हो गए 39%. अगर वो मार्क्स की बात करता है, अगर वो मार्क्स की बात करता है तो 15% उसको पहले आ रहे हैं, 100% निकालेंगे तो 1500 × 39% 39/100 काट दिया 39 × 15 585 मार्क्स, उसको टोटल 585 मार्क्स ऑब्टेंड हो रहे हैं. चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी देखते हैं फटाफट. स्टूडेंट गॉट 46% मार्क्स एंड ही फेल्ड बाय 55 मार्क्स, व्हाइल अनदर स्टूडेंट गॉट 81% मार्क्स एंड ही ऑब्टेंड 15 मार्क्स मोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स, देन फाइंड द पासिंग परसेंटेज ऑफ द एग्जामिनेशन. तो हम इस चीज को देखते हैं, क्या देख रहे हैं कि अगर वो कोई स्टूडेंट 46% मार्क्स अगर लेके आ रहा है तो 55 मार्क्स से क्या हो रहा है, फेल्ड हो जा रहा है. अगर कोई स्टूडेंट 81% मार्क्स लेके आ रहा है तो वो 15 मार्क्स से क्या हो जा रहा है, पास हो रहा है. तो अब मैं दोनों का डिफरेंस निकालूंगा. डिफरेंस निकाला तो 81 5, और ये कितना
पांच, आठ में से पांच गया तीन, 35%, और इसका डिफरेंस निकालूंगा तो पांच पांच जीरो, पांच एक छह और एक सात, 70%। इसको किस तरीके से निकालूंगा, ये फेल हो रहा है और ये पास हो रहा है, तो ये हो जाएगा 55 माइनस माइनस 15, तो ये हो जाएगा 70%, माइनस माइनस 15 70। इस तरीके से ये इनका दोनों का डिफरेंस होता है 70%। अब एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, रेशियो की वैल्यू आएगी 70/35 बराबर 2, और वो अब वो बोल रहा है फेल कितने मार्क्स से हो रहा है, फेल कितने मार्क्स से हो रहा है, वो 55 से हो रहा है, और रेशियो की वैल्यू कितनी है 2, कितना आएगा 27.5%, और उसको पहले कितने मार्क्स मिले थे 46 + 27.5, तो 0.5 13 6 एक 7 73.5 मार्क्स, उसको कितने क्या चाहिए, ये उसके क्या है पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि 46% अगर वो मार्क्स लेके आ रहा है तो वो 55 मार्क्स से फेल हो जाता है, अगर 81% ला रहा है तो वो 15 नंबर ज्यादा लेके आ जाता है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 35, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे माइनस 55 माइनस 15 70, एक रेशियो की वैल्यू 70/35 इक्वल टू 2, अब वो 55 नंबर से क्या हो रहा है फेल हो रहा है, और 55/2 इक्वल टू 27.5, पहले से वो 46% लेके आ रहा है प्लस 27.5 ये हो गए 73.5, उसके जो पासिंग मार्क्स हैं वो कितने होने चाहिए 73.5 मार्क्स होने चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पाइडर क्लाइम 62.5% ऑफ ए पोल इन फर्स्ट ओवर एंड 12.5% ऑफ द रेस्ट इन सेकंड ओवर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पाइडर इन सेकंड ओवर इफ टोटल हाइट ऑफ द पोल इज 192 मीटर। एक स्पाइडर मकड़ी 12.5% पोल पे पहले घंटे में चढ़ती है, 12.5% दूसरे घंटे में चढ़ती है, तो बताइए उस मकड़ी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया अगर पोल की ऊंचाई 192 मीटर है। तो मैं बात करता हूँ कि मकड़ी पहले घंटे में अगर चढ़ रही है कितनी चढ़ रही है 62.5 इक्वल टू 62.5, यानी कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 62/1/2, तो 125/2 इंटू एक बटे सौ, तो 25 × 100 × 55, तो ये कितना हुआ 5/8, और दूसरे घंटे में कितना चढ़ रहा हो 12.12 × 1/2, यानी कि 1/8% चढ़ रहा है। तो टोटल पोल की लंबाई कितनी 192 मीटर, तो बताइए सेकंड आवर में, तो दूसरे घंटे में कितना चढ़ जाता है। दूसरे घंटे में हम देखते हैं कि पहले घंटे में जिस तरीके से मान लो कि किसी पोल की टोटल ऊंचाई 8 मीटर है और 5 मीटर वो चढ़ जाता है, तो कितना बचा 3/8 बचा इंटू सेकंड आवर 1/8, और टोटल ऊंचाई कितनी 192 मीटर, 192 मीटर 8 × 24 × 3 = 9 मीटर, तो दूसरे घंटे में वो कितना चढ़ता है 9 मीटर चढ़ता है। और अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि पहले घंटे में फर्स्ट ओवर में कितना चढ़ेगा, तो हम फर्स्ट ओवर में कितना चढ़ रहा है 5/8, तो कितना चढ़ रहा है 5/8 इंटू 192 24, ये 4×5 = 20, 5×2 = 10, 4×5 = 20, 2 × 5 = 10, 120 मीटर, तो
दूसरे घंटे में चढ़ता है 9 मीटर और पहले घंटे में चढ़ता है 120 मीटर। दूसरे घंटे में किस तरीके से चढ़ता है कि किसी पोल की लंबाई मान लीजिए 8 मीटर है, 5 मीटर वो ऑलरेडी चढ़ चुका है, बचा कितना 3 मीटर, तो 3 बटे 8 और दूसरे घंटे की 1 बटे 8 गुणा 192, 192 8 24 9 मीटर। और फर्स्ट ओवर में चढ़ता है 5 बटे 8 इंटू 192 इक्वल टू 120 मीटर, वो टोटल दूरी को तय करता है।